तो भाई फाइनली वेट ओवर हुआ और डेडपूल 3 का ऑफिशियल टीजर ट्रेलर आ चुका है जिसका नाम डेडपूल एंड वोल्वरीन होने वाला है। और भाई क्या ही फैन सर्विस दिया गया है टीजर में। सच में यार हम सुपर हीरो फैंस का जो देखने का सपना हुआ करता था वो फाइनली पूरा होने जा रहा है। और कोई शक है ही नहीं कि टीजर ने मार्वल फैंस को पूरा हिला के रख दिया है। इस मूवी में काफी सारे कैमियोज भी होने वाले हैं जो इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट और बढ़ा देते हैं। तो भाई अभी और फालतू बात नहीं करते हैं, अब सीधा टीजर की बात करते हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई टीजर की स्टार्टिंग में हमें अपना वेड विल्सन बालों के साथ देखने मिलता है जो अपने सभी चाहने वालों के बीच अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। और शायद डेडपूल के सिर पे बाल देख के मैं अकेला नहीं हूँ जो शॉक हो गया था। और अगले सीन में हमें पता चलता है कि भाई ये तो वीक था। टीजर के फर्स्ट सीन में हमें डेडपूल 1 और 2 के लगभग सभी लोग देखने मिले जो शायद मूवी में हमें उतने टाइम के लिए देखने नहीं मिलेंगे। उसके बाद पूरी मूवी हमें डेडपूल और वुल्वरीन के आसपास ही देखने मिलने वाला है। अभी अपना डेडपूल मोमबत्ती बुझाने ही वाला होता है कि यहाँ पे टीवीए वालों की एंट्री हो जाती है। और टीवीए का मतलब तो तुम सबको पता ही है, अगर टीवी है तो मल्टीवर्स तो होगा ही। अभी डेडपूल तो डेडपूल है, उसके खतरनाक वाले जोक्स तो कभी खत्म होंगे नहीं। और क्योंकि अब ये मूवी आर रेटेड भी होने वाली है तो बहुत ही बवाल माल मिलने वाला है अब हमें। और क्योंकि ये मूवी पूरे मल्टीवर्स पे है तो क्या पता हमें गॉड ऑफ मल्टीवर्स का कैमियो भी देखने मिल जाए। मार्वल वालों प्लीज यार कुछ करो प्रबंध। अभी डेडपूल को टीवी वाले इसलिए उठा के लेके गए हैं क्योंकि उसने जाने अनजाने में काफी सारे कैनन इवेंट को चेंज कर दिया है। क्योंकि एमसीयू में टाइम ट्रेवल करना कोई गलत बात नहीं है, पर टाइम ट्रेवल करके किसी कैनन इवेंट को चेंज करना गलत है और इसीलिए टीवी वाले डेडपूल को उठा के लेके गए। इसके बाद हमें टीवी के अंदर का कुछ सीन दिखाया जाता है जो लोकी वाला टीवी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और यहाँ अपने डेडपूल को एमसीयू का कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ अपना डेडपूल कैप्टन को सलामी देता है और बोलता है अब मार्वल के फिल्मों के अच्छे दिन आ गए हैं। और भाई हम फैंस को तो इसी दिन का इंतजार था। इसके बाद टोनी के आई एम आयरन मैन वाले डायलॉग का रेफरेंस देखने मिलता है जहाँ अपना डेडपूल खुद को मार्वल जीजस कहता है। पर भाई हम सबको पता है कि मार्वल जीजस कौन है। इसके बाद डेडपूल के सूटअप का सीन देखने मिलता है जो कि ब्रूस वेन के स्टाइल में था और ये स्टाइल सिर्फ डेडपूल ही कॉपी कर सकता है। इसके बाद अगले सीन में ये टीवी वालों की धुलाई कर रहा होता है जहाँ हमें ये फील हो जाता है कि भाई मूवी सच में आर रेटेड होने वाली है। क्योंकि जिस तरह से ये टीवी वालों को मार रहा होता है वो पता नहीं डिज्नी कैसे सहन कर पाएगा। यही हमें डेडपूल का कुछ ओजी फाइट सीन भी देखने मिलता है जो शायद एमसीयू के कुछ खास खास इवेंट्स पे सेट होगी। इसके बाद जब डेडपूल जमीन पे गिर जाता है तब एंट्री होती है उस इंसान की जिसका नाम मूवी के टाइटल में तो है पर टीजर में सिर्फ परछाई दिखाई गई है और हम जैसे फैंस के लिए उतना ही काफी है। और यहाँ इस सीन में सीक्रेट वॉर्स का ये कॉमिक बुक भी देखने मिलता है जो शायद डॉक्टर डूम का रेफरेंस है और ये चीज मूवी के लिए एक्साइटमेंट और बढ़ा देता है। अभी मैंने टीजर का रिव्यू बनाया है या फिर हल्का फुल्का ब्रेकडाउन तुम देख लेना तुमने टीजर देखा या नहीं। और अगर देख लिया है तो तुम अपनी फैन थ्योरीज कमेंट में जरूर लिखना। अभी डेडपूल को लेके बहुत सारी बातें होने वाली है जो देख के और सुन के बहुत मजा आएगा। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।